हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे फ्रूट वेनीला कस्टर्ड जो बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बर्तन में आधा लीटर दूध डालेंगे और 2 चम्मच दूध हम एक कटोरी में ले लेंगे। इसमें 2 चम्मच वेनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड पसंद है तो आधा चम्मच और ऐड कर सकते हैं इसमें, पर आधा लीटर दूध के लिए 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर सही होता है। दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए थे, दूध में उफान आ चुका है। अब यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। ये घर वाली क्रीम है, आप चाहे तो मार्केट वाली क्रीम यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डालेंगे और जो कस्टर्ड घोल के रखे हैं फिर दोबारा से घोल लेंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है दूध में तो ज़रूरी होता है घोलना। और फिर डालकर दूध में हम हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट पकाएंगे। 6 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि दूध पहले से बहुत गाढ़ा हो गया है और दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी दूध हमारा गाढ़ा होगा तो हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो इसके ऊपर छाली जम जाएगा। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि दूध हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम जो थोड़ा सा फ्रूट्स लिए हैं उसको कट कर लिए हैं और थोड़ा सा अनार के दाने हैं सभी को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ढककर हम फ्रिज में रखेंगे, बिना ढके फ्रिज में नहीं रखेंगे, नहीं तो इसके ऊपर आइस वो जम जाएगा। थोड़ी देर बाद हम फ्रिज से निकाले हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही यम्मी कस्टर्ड बनकर रेडी हुआ है और ठंडा ठंडा ये गर्मी के दिनों में सर्व कीजिएगा ना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार आप भी इसे इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका भी कस्टर्ड बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाबा, टेक केयर।